हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एंसेंट हर्बल रेमेडी। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो कि हमारे पाचन तंत्र को तो मजबूत बनाएगा ही, साथ में इसकी सब्जी हमारे पेट कब्ज और अन्य हमारी पेट संबंधी जो बीमारियां हैं उनमें भी आराम देगी। साथ ही इसकी सब्जी बहुत ही पोषक तत्वों विटामिन से भरपूर होती है, और अगर कभी चूहा बिछिया या अन्य कोई विषैला जीव हमें काट ले या कीड़ा मकोड़ा हमें काटे तो ये इसको उस विष को उतारने में भी हमारी मदद करेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो या आपको कोई मशवरा हो, कोई सलाह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि ऐसी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चौलाई की। चौलाई, जिसे अंग्रेजी में अमरांथस भी कहते हैं, ये पौधे की एक जाति है जो कि आसानी से उगते हुए देखी जा सकती है, जो पूरे विश्व में पाई जाती है। अब तक इसकी लगभग 60 प्रजातियां पाई व पहचानी जा चुकी हैं। गर्मी और बरसात के मौसम के लिए चौलाई बहुत ही उपयोगी पत्तेदार सब्जी होती है। अब देखिए, चौलाई की सब्जी इन्हीं पत्तियों यानी डंठलों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। अधिकांश साग और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, लेकिन चौलाई को गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं में आसानी से उगाया जा सकता है। साथ ही जो शुष्क जलवायु है उसमें भी आसानी से उग जाती है। चौलाई का सेवन भाजी व साग, लाल साग भी कहते हैं, के रूप में किया जाता है, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि पत्तियां होती हैं, चौड़ी होती हैं, ये उनमें सिराएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियां होती हैं। ये देखिए, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें फूल भी आ रहा है। ये देखिए, फूल में इस टाइप के होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स में सुनहरा फूल आप इसको इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे इसमें लाल फूल भी आता है। तो लाल फूल आने के कारण भी इसको लाल साग बोला जाता है। चौलाई का सेवन ये हम आपको बता चुके हैं, भाजी और साग के रूप में किया जाता है। इसकी सब्जी में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इस पौधे का सबसे बड़ा गुण सभी प्रकार के विषों का निवारण करना, इसलिए इसे विषधन भी कहा जाता है। सभी प्रकार के विषों का निवारण मतलब जो एंटीटॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, जो विष किसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो जा रहे हैं या हमने इनटेक कर लिए हैं, तो पॉइजनस जो सब्सटेंस हैं उनको भी है, उन विष को भी है बाहर निकालना और निष्क्रिय करने का काम करता है। एक विशेष बात हम बताएं सब्जी के बारे मैं आपको, इसमें इस सब्जी में सोना धातु पाई जाती है जो कि किसी और साग सब्जी में नहीं पाई जाती। औषधि के रूप में चौलाई के पंचांग यानी तो पांचों अंग होते हैं, जो कि जड़ है, तना है, पत्ते, फूल और फल काम में लाए जाते हैं। पंचांग में जो इसके बॉडी पार्ट्स से सभी यूज होते हैं। देखिए, आपकी डंठल है, पत्तियाँ हैं इसकी, फूल है, जड़ है, तो उनका इस्तेमाल पंचांग के रूप में किया जाता है। बरसात के समय में ये आसानी से आपको उगती हुई दिखाई देगी, और थोड़ा अगर इसमें हम खाद दें ये अच्छी इसको न्यूट्रिशन मिले तो अच्छी खासी ग्रोथ करती है। तो आप देख रहे हैं, इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए यहाँ पर ये ग्रो कर रही है। इसके डंठल और पत्तियाँ पोषक होती हैं, क्योंकि इसके डंठल और
पत्तियों में प्रोटीन, खनिज, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लाल साग यानी चौलाई का साग खून की कमी, इसकी खून की कमी हो जाती है जैसे एनीमिया कहते हैं, खून की कमी में अगर आप इस सब्जी का नियमित सेवन करें तो उससे आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी। एनीमिया में चौलाई की सब्जी को बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही चौलाई पेट के रोगों के लिए गुणकारी होती है क्योंकि इसमें फाइबर, रेशा और सार द्रव्य होते हैं। इस सब्जी में विशेषकर सार द्रव्य भी पाए जाते हैं जिससे पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। ये हमारे पाचन तंत्र को शक्ति प्रदान करने का काम करती है। अनेक प्रकार के विष हैं जैसे कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमको ये चूहे हैं, बिच्छू है, संख्या है आदि काट लेते हैं तो हमें उनका विष चढ़ जाता है। तो चौलाई का रस या इसके जड़ के क्वाथ में काली मिर्च डालकर पीने से विष दूर हो जाता है। तो आप इसके चौलाई का रस निकाल लें या इसकी जड़ का आप क्वाथ बना लें। जड़ के क्वाथ में आप काली मिर्च डालकर नियमित उसका सेवन करें तो उससे आपका जो विष चढ़ने की समस्या है वो भी कम होगी और आपका विष भी उतर जाएगा। और अन्य नामों की बात करें कि चौलाई को तंदुली भी कहते हैं, इसको अमरंथ भी कहा जाता है, हिंदी में लाल मरसा और सफ़ेद मरसा, लाल साग संस्कृत में मारिस और उर्दू में लाल साग, अरबी में बुस्तान एवरेज, इसका साइंटिफिक नेम एमरेंथस ट्राइकोलर है। अब हम बात करेंगे कि दांत रोग में चौलाई हमें कैसे फ़ायदा दे सकती है। अगर आपको दांत रोग की समस्या है तो आप चौलाई मरसा को पीसकर दांतों में रगड़ें। आप इसकी पत्तियां, डंठल है, इनको पीस सकते हैं। पीस के आप अगर आप इनको दांतों में रगड़ेंगे तो इससे आपके दांत दर्द की समस्या दूर होगी। साथ ही आप पौधे का काढ़ा बनाकर कुल्ला भी कर सकते हैं। आप इसे पंचांग का काढ़ा बना लें और अगर आप उसे कुल्ला करेंगे और नियमित रूप से रेगुलर आप कुल्ला करेंगे तो कुल्ला करने से दांत दर्द के साथ ही मुँह के जो छाले होते हैं उनमें भी आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करेंगे चौलाई का गले के रोग या कंठ के रोग में इस्तेमाल। अगर आपको गले के रोग हैं या कंठ के रोग की समस्या हो रही हो तो आप चौलाई के पंचांग ले लें, वो जो हमने आपको बताया पहले पंचांग में इसके जो बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उस पंचांग का काढ़ा बना लें। अब उस काढ़े का आप नियमित रूप से इस्तेमाल करें, दो तीन दिन में ही आपको गले और कंठ रोग में बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि चौलाई या लाल साग कितना महत्वपूर्ण है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बरसात का जो समय है उसमें आसानी से उगते हुए आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए, जब हम इस्तेमाल करते हैं इसकी तो हम इसकी पत्तियां और ये डंठल, कोमल डंठल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पत्तियां होती हैं, चिकनी होती हैं ऊपर से सतह में और नीचे से इनका रंग कुछ हल्का सफ़ेद होता है। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत से चौलाई के पौधे यहाँ पर ये उगे हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।